पाली में शनिवार को रीट परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को झटका तब लगा जब उनके बैग गायब मिले, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात चोर ने 4 बैगों पर हाथ साफ करते हुए वहां से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए उन्हें जल्द ही बैग वापस लौटाने का आश्वासन दिया। बता दें कि पाली के बांगड़ स्कूल में आयोजित रीट परीक्षा में बाहर से आए परीक्षार्थियों ने अपने बैग केंद्र के सामने मटकी बेचने वाले के पास रखे थे। जब वे परीक्षा देकर अपने बैग वापस लेने आए तो बैग वहां से गायब मिले, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। वहीं पीड़ितों ने बताया कि उन बैगों में 4 कीमती मोबाइल, रुपए, सोने के कान की बालियां रखी हुई थी, जो अज्ञात चोर बैग सहित चोरी कर ले गया। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी सुरेश कुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से जानकारी लेते हुए उन्हें जल्द ही बैग वापस लौटाने का आश्वासन दिया। क्या हुआ? एक मिनट को सर, यहाँ मैंने 4 बैग रखे थे। माता जी को मैंने बोला कि ये बैग रख रहा हूँ, मैं थोड़ा चाय पी के आ रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी पर्चा बताऊँ, मैं इंट्रोडक्शन किया था पहले कि भाई आप कौन सी जाति से। उन्होंने कहा मैं भी कुमारी हूँ, तो उन्होंने मैंने भी बोला भी मैं भी प्रजापति हूँ। तो इन्होंने कहा भाई साहब यार तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं नहीं जाएगा। मैं कहते देखो माता जी कोई गम तो नहीं जाएगा, क्या नहीं गमेगा आपको, तो बैठा ही नहीं क्या नहीं गमेगा। और अब वापस आया हूँ सर एग्जाम, जैसे अब बच्ची को लेने आया तो पूछा माता जी बैग आया तो चारों बैग गायब हो गए। बैग में क्या आइटम थे? बैग में 4 मोबाइल थे सर। 4 बैग हुए आपके? और पेमेंट भी था कुछ? पेमेंट तो नहीं था सर। अब मैं 4 मैड में और थी मेरे साथ में मैडम, तो उन्होंने मुझे कहा भी भाई साहब बैग रखना, तो उनके पास पता नहीं क्या पैसे है कि नहीं, मुझे पता नहीं। बाकी मोबाइल आप कहाँ से आए? मैं अटवड़ा पाली से आया। क्या नाम आपका? जगदीश है। जगदीश बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात से नहीं बोल रहे ना।